ब्लूवर्ड सिटी को एनओसी मिल गया, 6 माह के दौरान पोजीशन भी मिल जाएगा, इरादे तो बहुत बड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा सजाद और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी फरोश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लूवर्ड सिटी के एनओसी के हवाले से। कुछ टाइम पहले अगर हम देखें तो ई खिदमत की वेबसाइट पे ब्लूवर्ड सिटी का स्टेटस जो था वो इलीगल आ रहा था, लेकिन अभी अगर आप चेक करें तो उस पर अंडर प्रोसेस आ रहा है। तो यानी ब्लूवर्ड सिटी का और इदारों का आपस में हुई है बातचीत और अंडर प्रोसेस का जो ये स्टेटस आ रहा है, इसका यही मतलब है कि अब उनकी आपस में बातचीत हुई है और ये जो एनओसी वाला प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि ब्लूवर्ड सिटी ने ऐलान किया है कि अगले 6 माह में पोजिशन भी दिया जाएगा, तो पहले बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन ये एक पॉइंट है जो अब ब्लूवर्ड सिटी की जो इमेज है उसको पॉजिटिव प्ले कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है, अगर ई खिदमत पे सर्च करें तो उस पर ये नज़र आता है अंडर प्रोसेस, लेकिन आरडीए की वेबसाइट पे स्टिल अभी तक ब्लूवर्ड सिटी का जो स्टेटस है वो इलीगल नज़र आ रहा है। उसके बाद ये जो ऐलान किया गया अभी पोजीशन का, उसके बाद ये अंडर प्रोसेस वाला जो एनओसी का स्टेटस है ई खिदमत पे, उसके बाद फिर जो रिफंड पॉलिसी ब्लूवर्ड सिटी की जानिब से अनाउंस की गई, ये 3-4 चीज़ें हैं जो ब्लूवर्ड सिटी का जो इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका प्ले कर रहा है और ये भी लग रहा है कि अब ब्लूवर्ड सिटी की दाल जो है वो गल जाएगी। अगर ओवरऑल देखें तो ब्लूवर्ड सिटी ने जितनी लैंड खरीदी और उसके बाद जितने लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, क्योंकि काफ़ी चीप रेट पर यहाँ पर प्लॉट्स मिल रहे थे तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया है, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद यही लगता है कि जो फैसला है वो ब्लूवर्ड सिटी के हक में होगा और एनओसी अनकरीब ब्लूवर्ड सिटी को मिल ही जानी है। तो ये थी ब्लूवर्ड सिटी के हवाले से कुछ डिटेल्स। मजीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएँ और आने वाली तमाम वीडियो से फ़ायदा उठाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।